नमस्कार दोस्तों मैं सिद्धार्थ आपका मेंटोर स्वागत करता हूं सिविल डेली के यूट्यूब चैनल पर जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और प्रम्स से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड टॉपिक्स पर फ्रॉम द हिंदू एंड एंड एडिटोरियल सेक्शन ओके लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज हम प्रीवियस uh, लेक्चर uh, का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां पे एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कल आपसे अपने एडिटोरियल एनालिसिस में कि चार धाम जो प्रोजेक्ट है वो किसके अंडर में है कौन रेगुलेट कर रहा है मिनिस्ट्री कौन है और uh, कौन सा डिपार्टमेंट रेगुलेट कर रहा है तो वो है नहाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर आपका आई थिंक सी था मैं यहाँ पे मैंशन नहीं कर पाया हूं क्वेश्चन अगर आपका आंसर वेरी करता है मैच नहीं करता है तो आप प्लीज हमें कॉमेंट में लिख के बताइए ताकि हम उसको आ, उस पर फीडबैक दे सकें दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया था राधा विनोद पाल जो कि इंटरनेशनल लॉ कमीशन की पहली आ, मेंबर थी इंडिपेंडेंट इंडिया की जो कि अपॉइंट हुई थी इसका आंसर होगा बी 1958। अगर आपका आंसर वेरी करता है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कमेंट करके बताइए वेरी नहीं करता है तो भी करके बताइए ठीक है शी वॉज अ जज बहुत लोकप्रिय महिला थी फेमिनिज्म का को बहुत सपोर्ट करती थी आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में और आंसर में इनको कोट भी कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आज है 25 नवंबर और दिन है थर्सडे डे तो इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले इस न्यूजपेपर का कंप्लीट फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर आप क्लिक करें और एक फॉर्म आएगा उसको फिल करें और डाउनलोड करें तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा ठीक है और आपकी प्रिपरेशन को और भी कॉम्पैक्ट बनाने के लिए हम सी डी यूट्यूब रिचुअल्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं ऑलरेडी सिर्फ आपके लिए जहां पे हम डेली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कवर करेंगे विथ स्ट्रेटेजी एंड एक्सप्लेनेशन जहां पे तिगड़म और कैसे अप्रोच करें एमसीक्यू क्वेश्चन को ये फिल्म बेस्ड है ऑलरेडी मैं एक सेशन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद हमारा करंट अफेयर सेगमेंट जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वंस अगेन एंड देन एक एक्सप्लेनर जाएगा वेयर इन जहां पे आपको कहीं कोई भी टॉपिक हो चाहे बर्निंग इश्यू हो स्टैटिक या कर पोर्शन हो आप करंट या स्टैटिक कोई भी पोर्शन हो उसको हम कवर करते हैं डिटेल में राइट right? लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक प्रसू और मेन्स एक होलिस्टिक प्रोग्राम है जो वीकली जाएगा हमारे टॉपर स्टॉक या फिर आ, एक वेबिनार जाएगा जहां पे आपको मौका मिलेगा डिस्कशन करने का अपनी क्वेरीज को एड्रेस करने का ठीक है सो लेटस क्विकली है लुक ऑन आज का न्यूजपेपर बेसिकली ज्यादा दो तीन आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है वेर इन आई वुड लाइक टू डिस्कस की शिप रिकवरी क्या होती है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पॉक्सो ये बहुत न्यूज़ थी इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये हम डिस्कस करेंगे और एक है फूड इमरजेंसी फूड क्राइसिस जो कि श्रीलंका का है लेकिन कैसे हम नीति निर्माण करते हैं किसी भी पॉलिसी का वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ठीक है तो चलिए आज के न्यूज से हम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों ये न्यूज दिस टॉक्स अबाउट पॉइंटर्स दैट इंडिया इज विटनेसिंग एज अ के शेप रिकवरी के शेप रिकवरी के बारे में बात कर रहा है ये जीएस पेपर टू का टॉपिक है ये जीएस पेपर थ्री का टॉपिक भी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट से रिलेट करता है एंड देन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन ये काफी अच्छा आर्टिकल है दोस्तों कोर इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है जहां ऑथर ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है फैक्ट्स एंड फिगर्स को विथ रेफरेंस टू चेंजिंग पॉलिसीज एंड अन ग्रोथ ऑन लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास जो मैं आपको अभी बताऊंगा ठीक है जहां पे हम गवर्नमेंट गवर्नमेंट की टैक्सेशन और रिग्रेसिव यू नो जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन है वो काफी रिग्रेसिव होते जा रही है जहां इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया जा रहा है और डायरेक्ट टैक्सेस को कम किया जा रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस एज एन अमीर हो या गरीब उसको पे करना ही करना है खाना हो गया फ्यूल हो गया Uh, ये सारी चीजें हो गई कपड़े हो गए ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट हैं डायरेक्ट डायरेक्ट आपके ऑफकोर्स इनकम टैक्स वो स्लैब्स के साथ आते हैं जो आप बेसिक चीजें जानते हैं ठीक है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस कम होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास की इनकम सेम रह रही है तो कहां से सो दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो यहां पे uh, हम दो चार तीन तीन, तीन चार चीजों को समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि के शेप और वी शेप इकोनॉमी क्या होती है सी रिपोर्ट्स क्या होता है फिर मनरेगा एम जी नरेगा जिसे हम कहते हैं वो और फिर जॉन तो एक इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट रह रह चुके है। आ, आ, एक, रह चुके हैं ब्रिटिश थे उन्होंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है मल्टीप्लायर का एंड देन वे फॉरवर्ड वेलफेयर स्कीम क्या है इस आर्टिकल में बहुत कुछ है कवर करने को सो so ध्यान से सुनिएगा और आ, मैं बिल्कुल आपको नहीं सलाह दूंगा कि आप न्यूजपेपर उठा के पढ़िए जिसमें आपका पूरा टाइम जाएगा इसीलिए इस प्रोग्राम को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस हियर ओके सो जो ऑथर um, हैं उन्होंने के शेप रिकवरी की बात की है ठीक है तो मैं आपको यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं के शेप रिकवरी वी शेप रिकवरी क्या होती है सी ये v -shaped, L -shaped, ये वी एल सारे टाइप्स ऑफ रिकवरीज हैज बीन सीन इन द ट्रेंड ऑफ आवर इकॉनॉमी ठीक है हमारी इकॉनॉमी कैसे ग्रो कर रही है कैसे स्टेगनेंट uh, uh, हो गई है ठीक है तो वी शेप्ड इकोनॉमी की बात की गई थी वेयर इन वी शेप्ड इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रेजुअली uh, uh, बहुत तेजी से गिरती है उसके बाद फिर तुरंत बहुत ज्यादा ऊपर uh, चली जाती है वेर इन जहां हमने लास्ट ईयर देखा था कोविड के सिनारियों में जैसे ही लॉकडाउन खुला 2020 में वी शेप रिकवरी देखी गई थी जब तक कोविड का लॉकडाउन था सबसे लंबा लॉकडाउन रहा है तब तक की इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बहुत नीचे जा रही थी और जैसे ही लॉकडाउन ऊपर हुआ लास्ट ईयर दिवाली के टाइम पे रैंपेंट इंक्रीज हुआ ओके okay? तो ये एक शेड इकोनॉमी है इसका एग्जाम्पल अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे दिखाया हुआ है क्योंकि ये यूएस बेस्ड आर्टिकल है तो यूएस का रिसेशन आया था आई थिंक इसमें 1950s एंड 1980s में मेंशन में किया हुआ है उस रेफरेंस से ठीक है वैसे ही एल शेप डब्ल्यू शेप यू शेप और ये सारे तरह की इकोनॉमीज uh, पाई जाती हैं वेयर इन बेस्ड ऑन द रिसेशन और रिकवरी कैसे होती है लेकिन जो आर्टिकल जो ऑथर कह रहे हैं वो के शेप्ड रिकवरी की बात कर रहे हैं के शेप्ड का मतलब टोटली totally आप ये लगा लीजिए कि जो ये रिकवरी है जो हैव्स होते हैं मार्क्स अगर आप काल मार्क्स की थ्योरी पढ़ी होगी तो काल मार्क्स ने हैव्स और हैव्स नॉट में डिवाइड किया हुआ है पूरे पॉपुलेशन को हैव्स उनके पास जो पूंजीवादी है ओके यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं हैव्स एंड हैव हैवनोट्स ठीक है काल मार्क्स ने कहा था जो पूंजीवादी हैं उनके पास सारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है आ, उनके पास आ, आ, स्टेटस है क्लास है ठीक है तो ये हैव्स हैं और ये हैव हैवनोट हैं जो के रिकवरी है ठीक है के शेप रिकवरी सपोर्ट करती है हैब्स को पूंजीवादी हैं जो कैपिटलिस्ट हैं जिनके पास पैसा रुपए है काफी है जिनके पास एसेट है उनको सपोर्ट करती है लेकिन जो मिडिल क्लास हैं ठीक है जो लोअर मिडिल क्लास है वहां पे ये कम होते जाती है वो हैव नॉट्स होते हैं ये ठीक है तो ये रिकवरी भी हालांकि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्री सीतारामन जी उन्होंने इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है इट्स नॉट ओनली इट्स नॉट अबाउट के शेप रिकवरी उन्होंने वी शेप रिकवरी के बारे में हमारे जो इकोनॉमिक अभी आ, पॉलिसी आई है उसमें उन्होंने मैंशन किया है ठीक है तो ये था एक क्विक टिप अबाउट क्या होती है के शेप एंड वी शेप इकोनॉमी टू अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिए एंड वी बट ऑल ऑल दीज शेप रिकवरी वेरी इंपॉर्टेंट ये जरूरी नहीं कि एग्जाम में अगर के यहाँ पे किया है तो के ही पूछ देगा ठीक है नाइकी शूज शेप भी पूछ सकता है बिकॉज दिस बीन इन ट्रेंड ये बहुत चलता रहता है ये uh, uh, बहुत ही अपेरेंटली इट हैपन्स आमतर देखने को मिल जाता है ठीक है लेट एस कम टू द सेकेंड टॉपिक सी एम आई ई रिपोर्ट देखिए ये रिपोर्ट के बारे में मैंने कल या परसों भी डिस्कस किया था अपने एडिटोरियल एनालिसिस में दैट रिपोर्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वाई आई हैव मैं रेफरेंस में ठीक है तो मेन्स आंसर जो आप लिखते हैं जो आ, आप आ, दो हिस्सों में डिवाइड होता है मेन्स आंसर वन इज कॉन्टेंट अनदर इज कॉन्टेक्सट ठीक है कॉन्टेंट मतलब आपका आर्ग्यूमेंट हो गया कॉन्टेक्स्ट मतलब होगा आपका सबस्टेंशिएट ओके सब्सटैंशिएट मतलब जो भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं जो भी थियरी आप दे रहे हैं उसको आप सपोर्ट करें और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आप केस स्टडी के थ्रू कर सकते हैं थियरी के थ्रू कर सकते हैं किसी टर्म्स के थ्रू प्रूव कर सकते हैं किसी फैक्ट के थ्रू प्रूव कर सकते हैं आप अपने आर्ग्यूमेंट को तो ये रिपोर्ट जो है और सी एम आई रिपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अस सी ये है क्या ठीक है सो सी एम आई रिपोर्ट सो दिस इज कॉल्ड सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक ये डेटा रिलीज करती है रिलेटेड टू जॉब गेन एंड लॉस्ट ड्यूरिंग कोविड नाइनटीन पैंडेमिक और लॉकडाउन ठीक है मुख्यतः इसका यही काम है कि uh, जितने भी इकोनॉमिक um, uh, से रिलेटेड चीजें होती हैं ठीक है आमतौर पर जो व्यवसाय से रिलेटेड चीज होती है जॉब अनएम्प्लॉयमेंट इम्प्लॉयमेंट माइग्रेशन इनका ये ट्रैक रखती है ठीक है डेंट थिंक टैंक ठीक है सो इसका, so, इसका प्रोसेस जो है मैंने यहाँ पे मैंशन कर दिया है सी एम आई प्रोड्यूसर्स इकोनॉमिक एंड बिजनेस डेटाबेस एंड डेवलप्ड स्पेशलाइज एनालिटिकल टूल्स टू डिलीवर ठीक है तो किसी भी पॉलिसी को समझने के लिए एक एनालिसिस और एक रिपोर्ट बहुत जरूरी होती है ठीक है जैसे हम सेंसस के बारे में कहते हैं कि अगर अगर हमें रूरल एरियाज में बहुत ही रिमोट एरियाज में अगर बहुत नीच टारगेटेड पॉलिसी अगर बनानी है तो एनालिसिस को समझना होगा हमें ट्रेंड को समझना होगा हमें डेटा को समझना होगा ठीक है सो दिस इज हाउ ये डिसाइफर करती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ये जितने भी इंडिसेस होते हैं ये सारे क्योंकि पिछले दो तीन दिन में ये दो बार आ चुका है इसलिए इट इट स्टैंड एज इंपॉर्टेंट ठीक है नाउ कमिंग बैक हियर तीसरा था हमारा एमजी नरेगा नाउ एमजी नरेगा से यहां पे ऑथर का ये कहना है दैट uh, जितनी भी जॉब्स होती हैं ठीक है ये एमजी नरेगा की लगभग फिफ्टी लाख पीपल ठीक है जिन्होंने अपनी जॉब्स लास्ट ईयर खो दी जस्ट ड्यू टू कोविड और ये भी इस में रिपोर्ट में देखिए मेंशन किया हुआ सी रिपोर्ट में ठीक तो इसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने जो एलोकेशन किया था बजट का जो एलोकेशन किया था वो इज लाइक like, कम कर दिया था उसके जो एलोकेशन का परसेंटेज था वो कम कर दिया था और इस वजह से इसपे बहुत प्रेशर पड़ गया था ठीक है यहां पे मेंशन किया हुआ है द लोअर बजट एलोकेशन अकाउंट्स फॉर इनएबिलिटी ऑफ कंपनसेट वर्कर टाइम एंड फेयरली ठीक है कभी डिस्कशन हम करेंगे डिटेल में कि जो एम नरेगा है उसकी पेमेंट जो कि पंद्रह से अठारह दिन का आ, काम होता है उसकी पेमेंट कैसे जाती है ठीक है दो पार्ट में जाती है आ, जो वर्कर्स अगर काम करते हैं अगर आज काम किया है तो शायद दो दिन बाद या तीन दिन बाद उनके पेमेंट मिलेगी लेकिन वो पेमेंट मिलती नहीं है ठीक है तो बहुत चैलेंजेस आते हैं इसमें और ऊपर से यहां पे एम जी नरेगा में बजट एलोकेशन की कटौती कर दी गई है और ये जो बजट एलोकेशन की कटौती की गई है वो पैसा इस्तेमाल हो रहा है लाइबिलिटीज को पे करने में जो कि बैंक्स आ, आ, बैंक्स नहीं इनकर कर पाई हैं आ, आम पोजीशन से किसी भी कंपनी से ठीक है तो अगर आप यहां मेंशन करेंगे

द फेमस इकोनोमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स इन्होंने एक मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल बताया है इस मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल को हम समझेंगे यहां पे ओके uh, सो uh, uh, okay. so, ये हैं सर जॉन uh, किनिस इनको ये इज एन इकोनोमिस्ट ठीक है इन्होंने एनिमल um, स्पिरिट की एक टर्म uh, पॉइंट किया था और यहां पे मेंशन किया हुआ है ब्रिटिश

Uh, कैसे ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है सो फॉर एग्जाम्पल ये है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओके लेट्स से कि ये कोई बैंक है ठीक बैंक लोन uh, देगी बिजनेस uh, को ठीक है लेट्स से ये एक्स बिजनेस है जो कि टायर बनाती है ओके बैंक लोन देगी बिजनेस को और फिर ये टायर uh, uh, जो टायर कंपनी है वो फंड रेज करेगी और थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी अपनी साइज में जहां पे कुछ एम्प्लॉय को ये हायर कर लेगी और जब कुछ ही एम्प्लॉय को हायर कर लेगी तो उनको ये सैलरी देगी राइट right? तो उनको जब ये सैलरी देगी तो फिर ये इंप्लॉइज हैं ये वो सैलरी अपने घर में ले आएंगे ये वो या तो आ, खर्च करेंगे ठीक है या तो वो सेव करेंगे राइट दो चीजें होती हैं तो जब ये सेव करेंगे तो अगेन सेव कहां करेंगे सेव करेंगे बैंक में ठीक और खर्च कहां करेंगे खर्च अगेन करेंगे कुछ ना कुछ ऐसी ही कंपनीज में राइट आ, इनफैक्ट या फिर आप मिल्क लगा लीजिए आप नॉन एसेंशियल आइटम लगा लीजिए एसेंशियल आइटम लगा लीजिए कुछ भी ठीक है तो ये एक एक्स कंपनी है नाउ अब क्या होगा कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये आप सेगमेंट देख रहे हैं राइट सो so, जब जब इनका पैसा दिया हुआ कहीं ना कहीं एक साइकिल में इन्हीं के पास एक स्मॉलर फ्रैक्शन में आ रहा है वही फ्रैक्शन फिर बैंक में धीरे धीरे सेव होता जाता है और फिर वही पैसा बिजनेस में दिया जाता है ठीक है सो यहां टोटल मुद्दा यह है कि अगर गवर्नमेंट ठीक है ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है ओके सो मल्टीप्लायर इफेक्ट अब समझ में आएगा आपको कि अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स कम कर देती है ओके okay? अगर इंटरेस्ट रेट्स कम कर देती है गवर्नमेंट तो इससे गवर्नमेंट को ही फायदा होगा कैसे अगर इंटरेस्ट रेट कम करती है तो जितने भी ये बिजनेसेस हैं स्मॉल बिजनेसेस बड़े बिजनेसेस जो है एमएसएमई जितने भी बिजनेस होते हैं वो अगर इंटरेस्ट रेट कम होगी तो ये लोग ज्यादा लोन ले सकेंगे इजीली इजी लोन ले सकेंगे ठीक है कैप बहुत कम होगा और जब इजी लोन ले सकेंगे तो ढेर सारी कंपनीज निकल के आएंगी ओके और ढेर सारी एम्प्लॉय को हायर करेंगी वंस अगेन जो ढेर सारे एम्प्लॉयज हैं वो पैसा अपना खर्च करेंगे किसी गुड्स को खरीदने में और फिर अगेन कुछ सेव करेंगे जो कि फिर यहां पे जाएगा तो ये एक मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट है ठीक है लेकिन यहां पे देखा गया है कि आई uh, होप ये आपको समझ में नहीं होगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए तो इसको हम और डिटेल में किसी uh, किसी दिन पूरा डिस्कशन कर सकते हैं इस पे ओके आई होप ये एक बेसिक आइडिया है इकोनॉमिक्स का uh, जो एक साइकिल है वो चलती रहती है ठीक है लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि ये जो मल्टीप्लायर uh, स्कीम है ये कही कहीं ना uh, कहीं जो हमारे हैब्स हैं जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसपे ज्यादा इफेक्ट कर रही है उसको ज्यादा इससे फायदा हो रहा है जो मिडिल क्लास है मिडिल क्लास अब बहुत सफर कर रहे हैं इनसे एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया है यहां पे कि जो एक एक आम आदमी होता है उसके बेसिक संसाधन के लिए वो टू व्हीलर खरीदता है राइट कि किसी भी एक्स से वाई पॉइंट पे जाना है हम दो पहिया ले लेंगे स्प्लेंडर हो गया पल्सर हो गई ऐसे खरीदते हैं ठीक है ठेके? लेकिन पिछले दो ढाई सालों में यह देखा गया है कि इवन ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कि दो टू व्हीलर्स बनाती है उसमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुआ है उनके सेल में लेकिन कमाल की बात यह है कि सबसे ज्यादा इजाफा ऑटोमोबाइल में हुआ है जो कि प्रीमियर और लग्जरी ब्रांड्स हैं जैसे मोटरसाइकिल्स हो गए प्रीमियम कार्स हो गए मेरे कहने का मतलब यह है कि वंस अगेन जो कॉरपोरेट हैं जो जो डायरेक्ट जो आ, डायरेक्ट टैक्सेस है कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं वहां पे वो कम हो रहे हैं और जो इनडायरेक्ट है, uh, टैक्सेस हैं जो चीजें एसेंशियल हैं फॉर मिडिल मैन और फॉर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास उन पे टैक्सेस बढ़ रहे हैं ठीक है सो दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट वेरी गुड एग्जाम्पल हियर ही हैज है ठीक है तो यहां पे इन्होंने मैंशन भी किया है कि द लोअर मिडिल क्लास विच डज नॉट इन्वेस्ट इन एसेट ठीक है एंड uh, क्योंकि मिडिल क्लास बहुत एसेट में इन्वेस्ट करता नहीं है या तो बैंक में रखेगा ठीक है या तो uh, खर्च करेगा बहुत कम ऐसा होता है कि हाँ बैंक में रखे 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 एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फिर एक एसेट खरीदता है लेकिन ये जो स्कीम्स बन रही हैं दीज आर दीज ये इंडस्ट्री का जो टैक्सेशन हो रहा है इम्पैक्ट और जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है ये सारी सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास को ही हैम्पर कर रही है ठीक है सो वे फॉरवर्ड अब उन हमारा नेक्स्ट है वे फॉरवर्ड देखिए मैंने यहाँ पे एक इमेज बनाई है ये लोअर क्लास मिडिल क्लास अपर रूलिंग क्लास ठीक है ये मार्क्स से कंसेप्ट को समझाने के लिए था तो ये लोग हैं हमारे हैव नॉट्स कहीं ना कहीं ये लोग हैं हमारे हैव्स ठीक है तो इस ये पूरा आर्टिकल इनके बारे में था हैव नॉट्स है मिडिल क्लास के बारे में ठीक सो so, यहाँ पे वेलफेयर स्कीम का बहुत बड़ा रोल है ठीक है सो so, एक 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 डिस्प्रपोर्शनल बेनिफिट हो रहा है यहां, ने किया किया एक को गया यहां तो है है पे पे ठीक तो हैं वो बहुत uh, बहुत ही uh, introduce, मतलब इंट्रोड्यूस होनी चाहिए जहां पे जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो बढ़ने चाहिए और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो रिड्यूस होने चाहिए ताकि जो प्रेशर है आम आदमी के ऊपर वो कम हो ठीक है आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा नाउ इससे बेस्ड एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए सो कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन यहां पे अगर आपने इस आर्टिकल को समझ लिया है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है सॉल्व करना ओके के शेप रिकवरी क्या होती है एंड uh, आप uh, मुझे यहां पे कॉमेंट करके आप बता सकते हैं ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अगला न्यूज है पॉक्सो शॉकर ये लिटरली एक शॉकिंग शौक, न्यूज थी जहां पे uh, इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये रूलिंग आती है ये फैसला आता है और देश भर में एवरीबडी बहुत लोगों ने क्रिटिक किया और इस फैसले को आ, फैसले से बहुत नाराजगी दिखाई ठीक है so, सो यहाँ पे बताया गया है आई होप आपको आ, केस का बैकग्राउंड पता होगा कि छोटा बच्चा था और फिर एक आदमी था वो बीस रुपए के बीस रुपए देकर उस बच्चे को कहीं ना कहीं अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसके माउथ में इंसर्ट किया एंड uh, काफी ज्यादा मतलब बहुत एक तरह से वाहियात हरकत कह सकते हैं इसको सो so, फिर भी यहां पे जो कोर मुद्दा है जो यूपीएससी के टर्म्स में हमें समझना पड़ सकता है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट एंड एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट ठीक है वंस अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपके नजरिए में वॉट इज द बेसिक डिफरेंस दो आई विल एक्सप्लेन यू हियर सो सी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चों को एडल्ट्री क्राइम से बचाने के लिए पॉक्सो uh, एक्ट के सेक्शन को क्लैरिफाई करते हुए यह बताया है कि सेक्शन फोर में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट का जिक्र है ओके okay? जिसमें सात साल की सजा है ओके मिनिमम सात साल की पनिशमेंट है देव फोर जो हाईकोर्ट ने इस केस में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट हुआ है ना कि अग्रवेटेड सेक्सुअल असोल्ट ओके हाईकोर्ट ने यही कहा है कि अग्रवेटेड सेक्सुअल असोल्ट नहीं है ये केस ओके okay? नाउ जो सेक्शन सिक्स कहता है सेक्शन सिक्स क्या कहता है कि अग्रवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट मेंशन है इसमें और जिसमें सजा लगभग मिनिमम टेन इयर्स की है क्रिटिक्स का मानना यह है कि फैसला गलत है विक्टिम्स के फेवर में यह फैसला बिल्कुल नहीं है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन फाइव बारह साल का कम बारह साल या उससे कम उम्र के बच्चे के साथ अगर एडल्ट्री क्राइम हो तो ये एक गंभीर अपराध है जबकि हाई कोर्ट ने सेक्शन फोर के तहत फैसला सुनाया है तो हाई कोर्ट ने कहा कि ओरल सेक्स आ, आ, हाई कोर्ट ने कहा कि ओरल सेक्स एक अति गंभीर श्रेणी में आने वाला अपराध नहीं है तो यहां आप ध्यान दीजिए व्हाट आई एम सेइंग हियर कि हाई कोर्ट ने कहा कि ओरल सेक्स गंभीर श्रेणी में आने वाला अपराध नहीं है और इलाहाबाद कोर्ट ने जो दोषी था उसकी सजा को दस साल से कम करके सात साल की सजा सुना दी गई ठीक है ऐसे में क्या होता है कि अपराधियों के 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 बच्चों बच्चों साथ साथ ऐसे को बहुत यू नो मानसिक जो आघात पहुंचता है बहुत मेंटल इम्बैलेंस मेंटल डिस्टरबेंस होती है तो क्या कोर्ट इस मामले को मतलब इस, इस मामले इस बारे में कोर्ट ने नहीं सोचा कि बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा ठीक है so, सो आई uh, थिंक ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया है यहाँ पे हुआ क्या था सो सेक्शन फोर क्या था सेक्शन फाइव क्या था और सेक्शन सिक्स क्या था वेर इन uh, अगला क्वेश्चन हमारा मैंने आपको इस सेक्शन में uh, एक एमसीक्यू दिया है वेयर इन आपको ये बताना होगा कि विच ऑफ फॉलोइंग पॉक्सो एट डील्स विद पनिशमेंट ऑफ पेनिटेटिव सेक्शुअल शॉर्ट अगर आपने सुना होगा अच्छे से तो ईजिल आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड आई विल बी ग्लैड टू नो आप कॉमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन uh, है एबीसीडी में से राइट सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज फूड एमरजेंसी फूड क्राइसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ओन मेकिंग दोस्तों ये एक बहुत ही बहुत ही क्लियर कट एग्जैंपल है कि कैसे अगर आप गलत पॉलिसी गलत फैसला लेते हो तो कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है आ, हमारी जनता के साथ लोगों के साथ और आ, सोशल इश्यूज कितना बड़ा बन सकता है सो so, एक स्टोरी के फॉर्म में समझिएगा कि हुआ क्या था इसमें बेसिकली हुआ यह था जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं ओके मिस्टर राजपक्षा उन्होंने ऑर्डर किया कि जितनी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स की इंपोर्ट हो रही है ना ठीक है और याद रखिए केमिकल फर्टिलाइजर का मैंने आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे 22 या 23 तारीख को हमने एक डिस्कशन किया था बहुत अच्छा आर्टिकल आया था ठीक है तो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर का इमोट ठीक है करने से मना कर दिया था ठीक है क्योंकि उनके गवर्नमेंट ने किसी किसी बहुत विद्वान आदमी ने किसी बहुत दिमाग वाले आदमी ने कह दिया था कि सर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करिए उससे ज्यादा फायदा होगा ना कि आप इम्पोर्ट करेंगे और उससे फायदा होगा ठीक है तो उन्होंने ये करने से मना कर दिया ठीक धीरे धीरे क्या हुआ कि जितने भी किसान जो यूज कर रहे थे इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स उनको कहीं ना कहीं कमी होने लगी मार्केट में कमी क्यों होने लगी क्योंकि जब प्रेसिडेंट साहब ने यह फैसला लिया उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था ओके okay, कि फिर किसानों को हम क्या देंगे कि वो कौन सा आ, खाद देंगे कि वो अपने जो अनाज हैं जो कि खेत में वो डाल सके और अच्छी फसल उग सके ऐसा कोई प्लान उन्होंने कभी मतलब बनाया नहीं और तुरंत ये फैसला ले लिया ठीक है तो ये एक राजनीति ये एक डिसीजन मेकिंग का पॉलिसी मेकिंग का बहुत ही गलत फैसला होता है इवन पर्सनल लाइफ का भी कि जब आप, आप कोई चीज आगे करने से रोक रहे हो तो उसको ढूंढ लो तो हुआ यही कि जितने भी फार्मर्स थे उनको कमी होने लगी फर्टिलाइजर्स की केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो भी फर्टिलाइजर वो यूज़ कर रहे थे और आ, जो पैडी क्रॉप्स थे जो जो टी क्रॉप्स थे उनको ग्रो करने में बहुत दिक्कत हो रही थी राइट तो सारे जितने भी किसान थे आ, वो आ, धरने पे बैठ गए थे बिकॉज वर नो फर्टिलाइजर देखिए किया हुआ है बहुत

मतलब बहुत सोशली बहुत दिक्कत होने लगी तो वो जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि एक विशियस साइकिल हो जाती है ठीक है जब बेचारे वो अनाज उगा नहीं पाएंगे उसको बेच नहीं पाएंगे तो खाएंगे कैसे ठीक है मंडी में बेचेंगे नहीं तो खाएंगे नहीं तो एक पूरा विशियस साइकिल डिस्टर्ब हो गई लोग धरने पर निकल आए तो फिर प्रेसिडेंट हैं उनको दिमाग आया उन्होंने कहा कि अरे यार ये तो बहुत गलत फैसला हो गया ठीक तो उन्होंने फिर क्या किया कि अपनी नेबरिंग कंट्री ठीक है ये हमारी नेबरिंग कंट्री कौन है हम हैं ठीक है इंडिया हमसे उन्होंने नैनो फर्टिलाइजर नैनो यूरिया वो मंगवाया ठीक है सो so, इसके बारे में इफ यू वॉन्ट टू टू गो रीड मोर अबाउट इट सो आई हैव गिवन दिस इन्फॉर्मेशन मेरे आई थिंक तेईस या चौबीस तारीख के वीडियो में होगा कल परसों के आप प्लीज उसको जाकर रिटोरियल सेक्शन देखें uh, मैंने डिटेल में कवर किया है नैनो यूरिया क्या होता है ठीक है सो so, uh, जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एयरलिफ्ट कराया ठीक है नैनो यूरिया यहां पर एयरलिफ्ट कराया और यहाँ पे और आपको ये ऑलरेडी ये सेक्शन मिल जाएगा ठीक है हालांकि जो नैनो यूरिया है वो बहुत ही स्मॉल स्केल पे यूज हो रहा है इट्स एन ऑल्टरनेटिव ओके ऑफ रूथलेस केमिकल फर्टिलाइजर्स ठीक है इसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी है अच्छी है uh, लेकिन ये बेस्ट फिलहाल अच्छा रिजल्ट आ रहा है लेकिन हाँ बहुत लार्ज स्केल पे अभी इसको ट्राई नहीं किया गया है लेकिन हाँ काम चलाने के लिए काम चलाने के लिए प्रेसिडेंट ने यहां से एयरलिफ्ट करवाया आ, काफी ज्यादा मात्रा में ओके जिसमें नाइट्रोजन है और आ, मतलब फसल के लिए काफी अच्छा हो सकता है ठीक है सो वंस यहां पे मेंशन किया द क्वालिटी ऑफ दीज कंपोस्ट मोस्टली प्रोड्यूस्ड सॉलिड वेस्ट एंड ऑल एंड ऑल ये सारी चीजें मेंशन की हुई हैं, ठीक है नाउ इससे क्या फर्क पड़ेगा ये जो पॉलिसी टोटली totally हुई है जो जो प्रेसिडेंट थे उनका जो तो गलत फैसला था उससे क्या फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है जो हमारे पैडी क्रॉप्स होते हैं ठीक है अगर उनमें कमी आ गई जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें अगर कमी आ गई तो जो उनकी पॉपुलेशन है उनको जो फूड सिक्योरिटी है वो इम्बेलेंस हो जाएगी कहां से वो खाना देंगे अपने गरीब को और फिर जो मिडिल मैन है वो कहां से देंगे आ, बेसिक आ, दाल चावल टाइप्स का ठीक है फिर वो इंपोर्ट करेंगे जब इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा ठीक है तो ये कहीं ना कहीं बहुत महंगा पड़ जाएगा ये ठीक है इनफैक्ट जो टी है जो पैडी है यहां देख रहे हैं ये पूरा सेक्शन इसी के बारे में यहां पे क्रॉप डिक्लाइन के बारे में बताया गया है कि अगर ये लंबे समय तक चलता रहा तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी श्रीलंका को उनके जो एग्रीकल्चर का जो पूरा सेटअप है उसमें दिक्कत हो जाएगी इम्पोर्ट बहुत महंगा हो जाएगा तो सिर्फ एक फैसले एक गलत फैसले से बहुत कुछ चेंज हो सकता है इवन जो अभी हमने इकोनॉमी की बात की थी तो कहीं ना कहीं एक डाउनवर्ड रिसेशन की बात हो जाएगी डाउनवर्ड इकोनॉमी की बात हो जाएगी मतलब कि वी शेप्ड इकोनॉमी हम देख सकते हैं यहाँ पे तो मतलब अगर जल्द ही इसका निवारण जल्दी इसकी सोल्यूशन नहीं देखा गया तो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी और जो बेसिक uh, नीड है जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे लो, लोगों की वो बढ़ने लगेगी फार्मर्स के प्रोटेस्ट बढ़ने लगेंगे सो फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लेके जाना चाहूंगा यहाँ पे टोटली totally इन्होंने बताया है कि uh, uh, अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है अगर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना है तो कहीं कही ना कहीं आपको uh, एक हेल्दी साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए उसका एक प्लान मेटिकुलसली प्लान्ड मेथोडोलॉजी होनी चाहिए ठीक है बिना प्लानिंग के अगर आप ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे वो भी वो इकोनॉमी जो कि अग्रेरियन इकोनॉमी है जिसकी सबसे ज्यादा यूज और खपत एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो इम्बेलेंस हो जाएगा अगर आप सोच के देखिए अगर ये इंडिया में हो जाए तो फिर क्या होगा दिस इज अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन सो बींग अडर बींग प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बींग सच दाइएस्ट पोजिशन ऐसे फैसले बिल्कुल नहीं लेने चाहिए ये तो मतलब तो कोई भी बता सकता है कि बॉस आप बैकअप तो रखो उसके बाद फिर कुछ आप करो ठीक है तो ये एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल आर्टिकल हो सकता है अगेन मैंने आपको कहा कि मेन्स से रिलेटेड रेफरेंस के लिए बहुत काम आती है चीजें इन न्यूज़पेपर्स में ठीक है तो अगर आपको रेफरेंस uh, के लिए कहीं कोट करना है तो दिस इज अ सॉलिड एग्जांपल ओके नाउ एज आई सेड दिस हैज बीन इन इन जीएस पेपर 2 इंडिया एंड नेबरहुड का ये सेगमेंट uh, में आता है तो दिस स्टैंड्स आउट वेरी वेरी ग्रेट एग्जांपल ओके इससे रिलेटेड मैंने एक एमसीक्यू uh, भी आपको दे रखा है दैट हाउ इज प्री प्रीमिकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल फार्मिंग ठीक है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में तो आप चाहें तो उसको विजिट कर सकते हैं और कमेंट uh, करके हमें जरूर बताएं कि व्हाट हैव यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ओके नाउ सो सो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में आपका समय देने के लिए धन्यवाद स्केड्यूल के हिसाब से हमारा अगला प्रोग्राम अब ब्रॉडकास्ट होने ही वाला है उसे देखना ना भूलें सो गाइज कॉमेंट करके जो भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनको आप जवाब दें एंड आपका आप, आप में से कुछ लोगों का जवाब आया भी है एंड वी आर थैंकफुल टू डैट आप प्लीज एंगेज करते रहिए ताकि इसमें करंट अफेयर से बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे क्या होगा कि आपको याद रखने में आपको कनेक्ट करने में चीजें बहुत ईजी होगा क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड विजुअल और आ, आ, जो आपने लिखा है वो बहुत तेज साइकोलॉजिकली ये कहा गया है बहुत तेज कनेक्ट करता है ठीक है सो वंस अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर आप क्लिक करके फ्री पी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वंस uh, अगेन ये जो हमारा डेली यूट्यूब रिचुअल प्रोग्राम है जिसमें हम ये रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं इसको भी आप uh, बिना स्टॉप स्टॉप विदाउट रिलीजियसली इसको फॉलो कीजिए और नो नीड टू गो हेड एंड रीड एंड न्यूज पेपर ओके इसको हम लगभग इस पूरे प्रोग्राम को इन दोनों को मिला के हम uh, 40 से 50 मिनट के अंदर हम कवर कर देते हैं ठीक है सो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में जय हिंद और हम लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब टू अर यूट्यूब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द एंड ऑनबर अपडेट फ्रॉम सिविल स्टेड